नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरी दुनिया के जितने भी डिजर्ट हैं, यानी कि पूरी दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं या रेगिस्तान, कई सारे नामों से जाना जाता है। देखिए, ये वाला वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की इस पीक में। दुनिया भर के जितने भी डिजर्ट है सब कुछ इसमें एक एक है, एक भी मिस नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मैं क्लेम कर सकता हूं इस बात को। अगर कोई मिस हो जाए तो प्लीज आप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गुचुड़ पुचुड़ जरूर लग रही होगी, लेकिन बहुत ही ये लाभदायक रहेगा आपके लिए। यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डिजर्ट से रिलेटेड, ठीक है। एशिया में कौन कौन से हैं, अफ्रीका में कौन कौन से हैं, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब जगह। और देखिए, ये पूरा लास्ट में भी ये बताया गया है कि किस किस टाइप के होते हैं। देखिए, डेजर्ट का क्या मतलब होता है कि सूखा। अगर हम लोग डेजर्ट सुनते हैं तो मतलब हमको कुछ माइंड में ऐसी चीजें आती हैं कि मतलब कहीं सूखा पड़ा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन डेजर्ट का मतलब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जैसे गर्म गर्म नहीं होते हैं, ठंडे भी होते हैं। डेजर्ट का मतलब सिर्फ ये है कि वहां पे बारिश नहीं होती है। एक अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो अगर किसी प्लेस में 250 mm से कम बारिश होती, यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो उसको बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो रही है वर्षा तो उसको क्या बोलेंगे, डेजर्ट। अच्छा, ये वाली पीडीएफ मैं बताना भूल गया, ये वाली पीडीएफ हमारी वेबसाइट में पड़ी हुई है, आप लोग जब चाहें उसको देख सकते हैं, जितनी बार चाहें देख सकते हैं। ये लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप देखिए वेबसाइट पे जो ऑप्शन है, आप अगर यहाँ पे सर्च करके भी सर्च कर सकते हैं इसमें ऑल डिजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के सारे मरुस्थल एक साथ, ऑल डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ये जो वीडियो है हमारा, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है हमारी, इसमें बिल्कुल एड फ्री है, कोई एड वर्ड नहीं आ रहे हैं। ये इसका ये मतलब नहीं कि मैंने हटा दिए, एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी तो एड नहीं आ पा रहे हैं, तो ये मतलब पूरी तरह से फ्री सेवा है आप लोग के लिए, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। करीबन 7,000 रुपये लगते हैं मुझे होस्टिंग के, और ये पूरी तरह से फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आप जाके यहाँ पे पीडीएफ पढ़िए आराम से और बिंदास होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख रहे हैं आप, पूरी की पूरी पीडीएफ है आपकी, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये है, ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आप, और जितने बार आप चाहें देख लीजिएगा। अब कुछ लोग इसको कॉपी कर लेंगे तो क्या करा जाए भैया जी, होता है ये सब। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग काम की सिर्फ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पूरा। देखिए, ये थोड़ी सी पिक ना वैसी सी लग रही है, लेकिन ये एक एक चीज इसमें इंफॉर्मेशन है, एक एक चीज है। पहले ऑस्ट्रेलिया से चालू करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करके पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, जूम जूम जूम। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो एक ये तनामी डिजर्ट है। अच्छा, डिजर्ट के बारे में देखिए, कुछ होते हैं कोस्टल, ये जैसे नामीब जो डिजर्ट है ये कोस्टल है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोस्ट पे होगा तो कोस्टल है, ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल है यहाँ पे। अब ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा, ठीक है, इसमें ये तनामी डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, ठीक है, मैप दिख रहा है आपको, फिर गिब्सन डिजर्ट है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, सिम्पसन डिजर्ट है, और अगर आपको डिजर्ट देखने हैं ऑस्ट्रेलिया के तो ये हम चलेंगे गूगल मैप पे, यहाँ पे ये जो विकीपीडिया में पूरा बना हुआ है, ये फोटो एकदम एक्चुअली मैंने उठाई थी, ये विकीपीडिया की फोटो है, ये देखिए ये है, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये तनामी डिजर्ट है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ से साउथ मान लीजिए अरेंज करने को आ जाए तो तनामी सबसे ऊपर है, उसके नीचे है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, उसके नीचे है ये आपका गिब्सन डिजर्ट, ठीक है, उसके नीचे है ये ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, और फिर उसके तनामी के ही साउथ में है सिम्पसन डिजर्ट, और फिर ये स्ट्रेजे लेकी करके डिजर्ट है ये है। और देखिए 1, 2, 3 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 1, 2, 3, ये वाली मैंने पिक अलग से भी ले ली यहाँ पे, कि आप लोग को कोई भी चीज कहीं से भी और ना पढ़नी पड़े, ये डिजर्ट से रिलेटेड तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये पिक है हमारी, ठीक है, इसको जूम करके अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये 1, 2, 3 दिख रहा है, ये 1 का मतलब है ये पेडिरका डिजर्ट, ये दिख रहा है पेडिरका डिजर्ट, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। फिर है टिरारी डिजर्ट, ये कहाँ पे, ये 2 नंबर है, ये टिरारी डिजर्ट है, और ये 3 नंबर है, ये यहाँ पे है स्टूट स्टोनी डिजर्ट। तो ये सभी जो डिजर्ट है ये है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा ये, ठीक है, ये इतने सारे डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन से, तनामी डिजर्ट हो गया, फिर ग्रेट सैंडी डिजर्ट भी है। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, मान लो इनमें से जितने भी 6, 7, 8 जो यहाँ पे डिजर्ट दिए हुए हैं, इन सब के सामने मान लो लिख दिया कि अफ्रीका, ठीक है, अब आपको करेक्टली मैच पूछ सकते हैं, या फिर किस कंट्री में लोकेटेड है, कहो यही पूछ लें कि तनामी डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री,
ठीक है, या फिर किस विच कॉन्टिनेंट, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको इसकी लोकेशन के साथ याद रखना है, बल्कि नॉर्थ और साउथ भी याद रखने की कोशिश करनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट ऐसे करके पूछ लेते हैं। ये तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिंपसन हो गया, स्ट्रेजलेकी हो गया, पेड्रिका टिरारी और स्टूट स्टोनी, ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के डिजर्ट। अब आगे चलें। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इतनी ज्यादा तेजी से एनर्जी से क्यों बोलता हूं। देखिए, अगर एक जो बोलने वाला है ना, जब ओरेटर बहुत ढीला ढाला सा है, अगर मैं ऐसे बोलने लगूंगी जी हाँ भाइयों ऐसे करके बोलूंगा ना, तो फिर आप लोग को मजा भी नहीं आएगा और अब भाग जाओगे आप। इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी लानी पड़ती है। चलो चाइना की तरफ चलें। अब देखिए इधर की चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आप ओडोज डिजर्ट देखेंगे, तो ओडोज कहाँ पे? ये डिजर्ट चाइना में है। ये देखिए क्वेश्चन, आप इसमें डिजर्ट के सब नाम याद कर लीजिए और किस कंट्री में। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि चार डिजर्ट के नाम लिख देंगे आपको, और चार सामने यहाँ पे कंट्री के नाम या कॉन्टिनेंट के नाम ऐसे करके लिख देंगे, और आपको पूछेंगे करेक्ट मैच बताइए। तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे गोबी डिजर्ट है, गोबी डिजर्ट आपने अभी तक सुना होगा मंगोलिया में। एग्जैक्टली मैंने एक एक चीज यहाँ पे छान बीन के और पूरी रिसर्च करके मैं लाया हूँ ये वाली जो पिक है। गोबी डिजर्ट मंगोलिया में भी है, चाइना में भी है कुछ कुछ पार्ट, ठीक है। तो गोबी डिजर्ट और एशिया में कौन कौन हो गया? गोबी डिजर्ट हो गया, मंगोलिया भी है, में भी है, चाइना में भी है। ये मिड लैटिट्यूड वाले डिजर्ट हो गए इसमें। अब देखिए गोबी के आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ आएंगे, तो ये कौन सा? टकला मकान डिजर्ट है। टकला मकान जो डिजर्ट है ये वाला, ये दिख रहा है ये वाला, जूम कर लेते हैं थोड़ा, मजा नहीं आएगा नहीं तो। है एशिया वाले थोड़े से जूम करके पढ़ते हैं, रुक जाइए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ये वाला हम लोग देख रहे थे। अब इसमें मान लीजिए आप, तो ये हम लोग देख रहे थे इधर एशिया की तरफ, ठीक है। तो गोबी जो डिजर्ट है वो कहाँ कहाँ पे है? मंगोलिया में है और चाइना में है, ठीक है। फिर उसके बाद टकला मकान ये दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, अब तो दिखा। तो ये टकला मकान कहाँ पे? सिर्फ चाइना में है ये। और ये गोबी से देखिए, ये है गोबी, ठीक है, गोभी से वेस्ट की तरफ है, तो ईस्ट टू वेस्ट थोड़ी पोजीशन पता होनी चाहिए। टकला मकान सिर्फ चाइना में है, ठीक है। उसके थोड़ा सा और अगर वेस्ट में आएंगे, तो ये कराकुम और एक किजिलकुम करके डिजर्ट है। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये वाले देखिए, देखिए ये गोभी था, ये जो है ये चीज है ना, इसको देखते जाइए। ये गोभी है, इसके वेस्ट में आपका टकला मकान है, इसके वेस्ट में कौन सा है? कराकुम। कराकुम ये कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और फिर उसके और वेस्ट में अगर आप आएंगे, तो ये किजिलकुम है। किजिलकुम कहाँ कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, ठीक है। ये समझ में आया ये चीज? ये अगर आप ऐसे बनाए, ये मान लीजिए, तो अगर मान लीजिए वेस्ट टू ईस्ट, आपको ईस्ट टू वेस्ट अगर आप बना बोल दिए कोई, तो कैसे होगा? ये है गोभी, उसके वेस्ट में है टकला मकान, उसके वेस्ट में है कराकुम, उसके वेस्ट में है किजिलकुम, ठीक है। इससे ज्यादा आप नहीं बता सकते हैं भैया जी, सब कुछ जो चीज है वो बता दी खोल के एकदम, ठीक है। अब आप बताइए एक एक चीज यहाँ पे डिजर्ट की, एक एक चीज मतलब मैंने हर बुक से उठा के दिखा दी है यहाँ पे, जो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अब और आगे चलते हैं, ये हो गए एशिया वाले। अब देखिए ये यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको। जैसे ये 1 2 3 4 लिख रहा दिखा है, देखिए ये मान लीजिए एशिया का पार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया, और वेस्ट एशिया वाला पार्ट हो गया, या फिर अरेबियन वाला हो गया। अब इसमें अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये नंबर दिख रहा है। ये 1 2 का क्या मतलब है? ये जो 1 वाला है ये क्या है? ये है रबेल खाली, ये डिजर्ट है रबेल खाली, ठीक है। ये रबेल खाली डिजर्ट है, ये आप याद रखिएगा, जरूर से जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे रबेल खाली की कुछ यहाँ पे डिटेल दी हुई है, अरेबियन डिजर्ट, ये पेनिनसुला का पार्ट है, और इसमें क्या क्या है? सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है और येमेन है, ठीक है। ये अरेबियन डिजर्ट का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अरेबियन डिजर्ट जो है उसका पार्ट है ये। अरेबियन डिजर्ट भी काफी बड़ा है, थोड़ा और इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये 1 वाला कौन सा है? ये है रबेल खाली, और 2 वाला जो है ये सीरियन डिजर्ट है। अच्छा, सीरियन डिजर्ट को क्या बोलते हैं? बदियत अश शाम, ठीक है, नाम याद रखिएगा। कई बार ऐसे कहो यही पूछ ले आपसे कि बदियत ये जो अश शाम है ये कहाँ का नाम है, तो ये सीरिया कंट्री में, इसीलिए इसको सीरियन डिजर्ट का नाम है दूसरा ये, ठीक है। 3 4 जो लिखा हुआ है, 3 4 ये दस्ते काविर और दस्ते लुट, ये दोनों के दोनों डिजर्ट है ईरान में, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। दस्ते काविर और दस्ते लुट दोनों के दोनों ये डिजर्ट है ईरान में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, दस्ते काविर और दस्ते लुट, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें, इसमें देखेंगे आप, तो दस्ते काविर दस्ते लुट ये दोनों ईरान में है, ठीक है। और एक ये और है दस्ते नमोइड करके, नाओमिड करके है ये,
ये कहाँ पे? अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है। तो ये हो गया आपका दस्ते काबुल दस्ते लूट। और आगे अगर आप देखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। फिर ये वाला जो डिजर्ट है ये अरेबियन डिजर्ट है, ठीक है। ये पूरा जो आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा इधर वाला ये है अरेबियन डिजर्ट। अब अरेबियन डिजर्ट में कौन कौन सी कंट्री है? जॉर्डन, इराक, कुवैत, दिख रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये है अरेबियन डिजर्ट, ये वाला पूरा इधर, ठीक है। और ये है आप, ये किस अरेबियन डिजर्ट किससे बना है? देखिए, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन, ये सब किसके पार्ट है? ये है अरेबियन डिजर्ट के, ठीक है। उसके बाद अगर आप और ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सब तो हो गया, किजिल को हमने देख लिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। फिर ये अफ्रीका में आए, अफ्रीका में जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कौन सा है? सहारा डिजर्ट, ठीक है। सहारा डिजर्ट जो है ये 11 कंट्री से पास होता है। ये है 11 कंट्री की लिस्ट, और ये 11 की 11 कंट्री आपको याद रखनी है। आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है इसके लिए, WESTM³NCLA। मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे मदन मोहन मालवीय जी थे, वो वेस्ट में गए और उन्होंने NACL यानी कि नमक खाया, ऐसे करके कुछ ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो सहारा में गए, तो अब इंडिया से वेस्ट की तरफ सहारा ही है ना, तो सहारा में गए वेस्ट की तरफ और वहां पे जाके NACL नमक के लिए काम किया, कुछ ऐसे कुछ भी बना लीजिए। वेस्ट M3NLCA, और इससे W से क्या हो जाएगा? वेस्टर्न सहारा। E से हो जाएगा आपका इजिप्ट, S से हो जाएगा सूडान, T से ट्यूनिशिया, M से हो जाएगा माली, मॉरिटेनिया और मोरक्को, NCLA से क्या हो जाएगा? N है यहाँ पे नाइजर, फिर चैड है, और आपका L कहाँ गया? लीबिया है और अल्जीरिया। ये 11 के 11 जो डिजर्ट है वो है सहारा के, ठीक है। ये 11 की 11 मतलब कंट्री है सहारा के डिजर्ट में, और ये वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट डिजर्ट है। अच्छा, डिजर्ट से रिलेटेड दो तीन फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? वो है अंटार्कटिका, याद रखिएगा। नंबर 2 पे कौन सा है पूरी दुनिया का डिजर्ट? वो है आर्कटिक। नंबर 3 पे कौन सा है? वो है आपका सहारा। अगर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट पूछा है, लार्जेस्ट डिजर्ट, तो कौन सा है? अंटार्कटिका है। अगर सबसे बड़ा हॉटेस्ट डिजर्ट पूछा है तो वो सहारा है, याद रखिएगा। ये कुछ फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने जरूरी है। तो ये हो गया आपका अफ्रीका वाला। फिर ये है नूबियन डिजर्ट, ठीक है। नूबियन डिजर्ट में कौन कौन है? ये देखिए, अफ्रीका का ही बात चल रही है। अफ्रीका में अगर आप देखें, इसमें थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, अफ्रीका में सबसे ऊपर हो गया ये सहारा डिजर्ट, ठीक है। एक यहाँ पे ईस्टर्न डिजर्ट भी है। फिर ये जो है नूबियन डिजर्ट, ठीक है, ये है नूबियन डिजर्ट ये। और नूबियन डिजर्ट किस किस कंट्री में फैला हुआ है? देखिए यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है मैंने। ये अगर आप देखेंगे, ये नूबियन डिजर्ट जो है ये देखिए सूडान में है, नॉर्थ ईस्ट सूडान में है ये नूबियन डिजर्ट, ठीक है। और ये नील नदी और रेड सी के बीच में है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नूबियन डिजर्ट कहाँ पे है? ये नूबियन डिजर्ट जो है ये ईस्टर्न पार्ट है सहारा डिजर्ट का, और ये नॉर्थ ईस्ट सूडान और नॉर्दर्न इरिट्रिया के बीच में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में है ये आपके ये सहारा के। तो ये अफ्रीका में ये हो गया। और फिर देखिए अफ्रीका में नीचे की तरफ आएंगे अगर आप, तो नीचे की तरफ ये कोस्टल डिजर्ट है नामीब डिजर्ट, ठीक है। नामीब डिजर्ट ये है, ये वाला जो है इतना सा पार्ट है, ये नामीब डिजर्ट है। ये है आपका नामीबिया में, साउथ अफ्रीका और अंगोला, तीन कंट्री में है ये, ठीक है। कालाहारी डिजर्ट है ये उसके ईस्ट में। तो ये कालाहारी डिजर्ट मेनली तो बोत्सवाना में है, लेकिन नामीबिया और साउथ अफ्रीका में भी कुछ कुछ पार्ट है इसका। तो ये हो गए आपके कौन से, ये हो गए आपके अफ्रीका वाले डिजर्ट जितने भी हैं, ठीक है। एक और चीज है, यहाँ पे एक छोटा सा डिजर्ट है सोमाली डिजर्ट, उसको बोलते हैं ओगाडेन डिजर्ट, ठीक है। ये नाम है, ये जरूर आपको याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो कई बार ऐसे मान लीजिए उजूल फुजूल के नाम भी पूछ लेते हैं ये लोग, तो अपनी तैयारी रखो ना पूरी। बस आप अगर देखिए इधर की तरफ एक ये, अच्छा यूरोप में ज्यादातर डिजर्ट नहीं है कोई, लेकिन एक यहाँ पे एक डिजर्ट है, और इसको क्या बोलते हैं यूरोप के डिजर्ट को? तबेर मास, ठीक है। तबेर नाज डिजर्ट है, तबेर नाज जो डिजर्ट है ये यूरोप में है, स्पेन में है, ये जरा सा है, मतलब ये बैड लैंड करके है बस, ये आप ये समझ सकते हैं। तो यूरोप का ये डिजर्ट हो गया आपका, बाकी ये लोग ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब नॉर्थ अमेरिका की तरफ चलें, अगर नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा ये जूम कर लेते हैं, और थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। ये है नॉर्थ अमेरिका, देखिए ये जूम करके नहीं आ पा रहा था, तो मैं इसे ही बता दे रहा हूँ। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन सा है? ये ग्रेट बेसिन डिजर्ट है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा है? ये वाला ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ये यूएस में ही है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट बेसिन डिजर्ट ये नॉर्थ अमेरिका में है। देखिए ये ग्रेट बेसिन डिजर्ट का ये मैप है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे जैसे ये हम्बोल्ट करके रिवर है,
ठीक है, और ये ट्रकी रिवर है, तो ये रिवर रिवर थोड़ा सा देख लीजिएगा, कार्सन रिवर है, वॉकर रिवर है, ठीक है, और वॉकर लेक भी है, ये सियरा नेवाडा है यहाँ पे, तो ये है सॉल्ट लेक सिटी है यहाँ पे, तो ये ग्रेट वाला ग्रेट बेसिन डिजर्ट हो गया, ठीक है, सबसे ऊपर है ग्रेट बेसिन। और अगर आप आएंगे, देखिए ग्रेट बेसिन ऊपर हो गया, उसके साउथ में है मोहावे डिजर्ट, ठीक है, उसके साउथ में मोहावे है, उसके साउथ में सोनोरन है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, यहाँ पे छोटा सा पार्ट काट के लाया हूँ आपके लिए ताकि समझ में आ जाए। ये ऊपर मोहावे है, ये मोजावे नहीं बोलते हैं इसको, मोहावे बोलते हैं, ये यूएस का ही है, तो मोहावे हो गया, और उसके साउथ में है सोनोरन डिजर्ट, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन सबसे ऊपर नॉर्थ में, फिर मोहावे, फिर सोनोरन, और फिर अगर आप इधर की तरफ जाएंगे, थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो ये है चिहुआउ डिजर्ट, ठीक है, चिहुआउ डिजर्ट और सोनोरन डिजर्ट। देखिए दोनों के लिए लिखा है, ये दो दिख रहे हैं, ये दो, ये एंगल जो बने हैं कि ये दोनों के लिए है, मतलब कि ये दोनों जो है किस किस कंट्री में है, सोनोरन डिजर्ट भी यूएस और मेक्सिको में है, और चिहुआउ डिजर्ट भी यूएस और मेक्सिको में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये हो गए यूएस वाले। साउथ अमेरिका की तरफ अगर आप आएंगे, तो साउथ अमेरिका में सबसे ऊपर यहाँ पे है पेरुवियन डिजर्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेचूरा डिजर्ट या फिर नाजका डिजर्ट, ठीक है। तो सेचूरा डिजर्ट कहाँ है, ये पेरुवियन डिजर्ट है। ये देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर मान लीजिए कभी आपसे यही पूछ लें, मान लो कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सा डिजर्ट है, पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये नामीब डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट, ये भी दोनों साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में देखें तो ये फिर अटाकामा डिजर्ट है, पेरुवियन से साउथ में हो गया, और अटाकामा, अटाकामा भी आपका पूरा ये साउदर्न हेमिस्फीयर में ही है, साउदर्न मतलब कि जो पृथ्वी के दक्षिणी भाग में है, ठीक है। अटाकामा डिजर्ट ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, सिर्फ 1 mm वाली, 1 mm की वर्षा होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश होती नहीं, इसलिए हैबिटेशन बिल्कुल ही बहुत ही कम है, ठीक है। फिर उसके और अगर आप नीचे आएंगे, देखिए अटाकामा किस किस कंट्री में है, अटाकामा है चिली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना, चार कंट्री में है ये अटाकामा डिजर्ट, ठीक है। फिर ये है मोंटे डिजर्ट, ये कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है ये, ठीक है। फिर उसके और साउथ में आएंगे तो पैटागोनिया डिजर्ट है, पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है ये, चिली कंट्री में, ठीक है। तो ये हो गया पूरे साउथ अमेरिका वाले डिजर्ट। और कोई बचा है, और कोई मेरे हिसाब से तो नहीं बच गया। अब नामीब कहाँ कहाँ, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अंगोला में, और कालाहारी डिजर्ट है बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। सोमाली का नाम है ओगाडेन, याद रखिएगा। यूरोप का एकमात्र डिजर्ट कौन सा है, तबेर नस डिजर्ट, ये स्पेन में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखे थे। जो ये सहारा डिजर्ट की ट्रिक क्या है कि मदन मोहन मालवीय जी जो थे हमारे फ्रीडम फाइटर, वो वेस्ट में गए, इंडिया से वेस्ट की तरफ, ये देखिए सहारा, और वहां पे जाके नमक बनाया, नमक यानी कि NaCl, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, मतलब आप अपनी कोई ट्रिक, आप ज्यादा स्मार्ट हैं, आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, डेथ वैली जो है ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस में से है ये, और ये लोकेटेड कहाँ है, मोहावे डिजर्ट में, जो कि ये बॉर्डर करता है ग्रेट बेसिन डिजर्ट को। देखिए जितने भी, एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, जितने भी ग्रेट वाले हैं ना, जैसे आप ग्रेट सैंडी ले लो, ग्रेट विक्टोरिया ले लो, ये सब तो हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो दो ग्रेट वाले ऑस्ट्रेलिया में, एक ग्रेट बेसिन वाला जो है वो यूएस में है, तो याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका में जो कि ये इक्वेटर है, अब इक्वेटर से उत्तर की तरफ जो भी आपके डिजर्ट होंगे वो सभी कहाँ हैं, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के पार्ट हैं। तो जितना भी आपका ये अरेबियन डिजर्ट हो गया, न्यूबियन डिजर्ट हो गया, सहारा डिजर्ट हो गया, ठीक है, ये तुर्किस्तान यहाँ पे डिजर्ट है, हम मैंने बताया कराकुम, किजिलकुम, ये सब कुछ, ये गोबी, टकला मकान, ये जितने भी डिजर्ट हैं ये आपके सब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो याद रखिएगा, ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ओडोस कहाँ पे, चाइना में है। अच्छा, ये कुछ और बच गए थे तो वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एक ला गुजियारा करके डिजर्ट है, ये कोलंबिया का पार्ट है। फिर एक नेगेव करके डिजर्ट है, ये साउथ इसराइल में है, ठीक है, ये कहीं छूटेगा नहीं कुछ। फिर जुडाइन डिजर्ट ये है इसराइल और वेस्ट बैंक में, और ये जो है जेरूसलम के ईस्ट में है। ब्लेडोक करके डिजर्ट है, ये कहाँ पे है आपका, ये पोलैंड में है, तो BLEDOW, ब्लेडो डिजर्ट है पोलैंड में। हेलिंडी डिजर्ट कहाँ पे, ये आइसलैंड में है ये। और ये जो इर्ग इगुइडी, इगुइडी डिजर्ट, ये कहाँ पे, अल्जीरिया में है, ठीक है। इगुइडी डिजर्ट ये मतलब एक्चुअली सहारा का वेस्टर्न पार्ट है, इस जगह पे है छोटा सा, ये इगुइडी डिजर्ट है, ठीक है। और सोमाली को क्या बोलते हैं, सोमाली डिजर्ट को ओगाडेन, ठीक है। डिजर्ट सब कुछ हो गई है, PDF आपको बता दी गई है कहाँ पे मिलेगी, ये थोड़ा सा और अच्छी पिक थी, आप देख लीजिएगा। पूरी दुनिया का नंबर 1 जो लार्जेस्ट डिजर्ट है वो अंटार्कटिक है, नंबर 2 पे आर्कटिक है,
और ग्रेट बेसिन कहाँ पे, ये देखिए ये ग्रेट बेसिन है, उसके नीचे है सोनोरन, उसके नीचे सॉरी उसके नीचे है मुआवे, उसके नीचे है सोनोरन। सोनोरन जो है वो यूएस मैक्सिको दोनों में है, चिवाहो वाला भी यूएस मैक्सिको दोनों में है, यहाँ पे कोलोराडो प्लेटू है, यहाँ पे अटाकामा है जो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस है, इसके नीचे पेटागोनियन है, ठीक है। ये है आपका नामीब, ये है कालाहारी, ये है सहारा, ये है अरेबियन, और ये है थार जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। एशिया में गोबी है जो कि मंगोलिया चाइना दोनों में है, टकला मकान सिर्फ चाइना में है, किजिल कुम अब मैंने आपको बताया था तुर्क कहाँ पे है, मैं खुद ही भूल गया, कराकुम और किजिल कुम है। देखिए ये किजिल कुम है, ये कराकुम है, अब इतने सारे डेजर्ट हैं, आप दो तीन बार लेकिन वीडियो देखोगे तो मेरी घटिया आवाज से आपको जरूर याद रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है, ये पूरी देखिए मैंने यहाँ पे पिक विक लगा रखी है, देख लीजिएगा सब सब पिक विक दे रखी है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ो, सब ट्रॉपिकल डिजर्ट की लिस्ट ये, सहारा अफ्रीका कलारी मुआवे सुनरन चिवाउ थार। डिजर्ट आप देखेंगे ये कोस्टल वाले नाबीम और अटाकामा है, कोल्ड डिजर्ट जो बहुत ठंडे हैं जहाँ पे लेकिन बारिश नहीं होती यहाँ पे, ये सब है, और तुर्कमेनिस्तान भी इसमें में आएगा, उज्बेकिस्तान, और ये देखिए जो कराकुम है वो तुर्कमेनिस्तान में, किजिल कुम है उज्बेकिस्तान में। पोलर डिजर्ट कौन कौन से हो गए, आर्कटिक और अंटार्कटिक में, जो बचा खुचा पिक थी वो यहाँ पे, दस्ते काविर ऊपर है और दस्ते लुट नीचे है, ईरान का याद रखिएगा, दस्ते काविर है नॉर्थ में और दस्ते लुट है नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है ये। फिर ये मेजर डेजर्ट की लिस्ट दी हुई है, सबसे बड़ा है अंटार्कटिक, सब उसके बाद है आर्कटिक, सबसे बड़ा हॉट है आपका ये सहारा डेजर्ट, ठीक है, और बाकी पूरी लिस्ट दी हुई है, पढ़ लीजिएगा आप। अब मेरे हिसाब से और कुछ बचा नहीं, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ऐसे ही बाकी पार्ट हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कर दिया करिए, व्यूज तो कम से कम आने आते रहने चाहिए, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पे, कुछ लोग को हमने देखा है जो डिजर्विंग भी नहीं होते हैं उनके वीडियो और बहुत ज्यादा दूर तक चले जाते हैं, और यहाँ हमारी इतनी देर की मेहनत भी बेकार हो जाती है, ये आप ही लोगों की वजह से है, कई बार इससे डीमोटिवेशन जरूर आ जाती है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, थैंक यू। और एक बात और, आप ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये तो आपकी हो गई वेबसाइट, वेबसाइट में आप सर्च करेंगे ना तो कुछ भी मिल जाएगा आपको, जो भी आप चाहें, यूपीपीसीएस के पेपर, एनसीईआरटी समरी सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए एक्चुअली, क्योंकि यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं, देखिए यूट्यूब के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे मैं तुरंत दे देता हूँ वीडियो, तो पता चल जाता है आप लोगों को कि कौन कौन सा वीडियो आया है, वरना फिर कई बार हमारे अच्छे वीडियोज आप मिस कर देते हैं और मतलब काफी सारी चीजें छूट जाती हैं, ठीक है।